जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग। आईपीसी के तहत पिछले लेक्चरों में आप लोगों को क्रिमिनल मामलों के कुछ सिद्धांतों को बताया जा रहा था। फिर एक बार आपको सूचित कर दिया जाए कि जो प्रिंसिपल या सिद्धांत क्रिमिनल मामलों के बताए जा रहे हैं, वर्तमान समय में यहाँ से प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन बन रहा है। तो आपका कर्तव्य है कि अच्छे से इन सिद्धांतों को भी आप याद रखेंगे। पिछले टर्न पर मैं क्रिमिनल मामलों के तीन सिद्धांतों को एक साथ बता रहा था, और वह था भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 यानी कि अनुच्छेद 20 में दिए गए तीन सिद्धांत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(1) में सिद्धांत बताया गया था, अनुच्छेद 20 के क्लाज 2 में सिद्धांत बताया गया था, और आर्टिकल 20 के क्लाज 3 में। पिछले टर्न पर हमने आपको ये बताया भी था, आपका 20(1) में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्ट पोस्ट फैक्टो ला। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्ट पोस्ट फैक्टो ला यानी कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। दूसरा बताया गया था प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी यानी कि दोहरे जोखिम से संरक्षण, जोखिम से संरक्षण या दोहरे दंड से संरक्षण या दोहरे संकट से संरक्षण, या दोहरे संकट से संरक्षण। और तीसरा प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन यानी कि आत्म अपराधारोपण या आत्म अभिशंसन से संरक्षण, आत्म अपराधारोपण या आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आइए तीनों को आपका एक एक करके डिटेल में देखना है। ये क्रिमिनल मामलों के तीन प्रिंसिपल हैं, एक एक करके हमें देखना है। आइए पहला देखा जाए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टोला। इसका मतलब ये हुआ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टोला का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति ने जिस तारीख को कोई कार्य किया था, यदि उस तारीख को, उस डेट को वह कार्य किसी कानून द्वारा अपराध घोषित नहीं किया गया था, यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया, वह कार्य किसी कानून द्वारा ऑफेंस घोषित नहीं किया गया है, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, अर्थात जिस तारीख को कार्य किया गया, यदि उसके बाद उस कार्य को अपराध घोषित किया गया है, तो वह व्यक्ति जो अपराध घोषित किए जाने के पूर्व उस कार्य को किया है, उस कार्य के लिए दंडित नहीं होगा। यानी कि आपराधिक विधि भूतलक्षी नहीं हो सकती, अर्थात क्रिमिनल ला को जो सब्सटेंसिव ला है, इसको बैक डेट से लागू नहीं किया जा सकता।
एक और नियम यहाँ देखना है, जिस तारीख को कोई व्यक्ति कार्य किया और उस तारीख को वह अपराध था, उसे अपराध घोषित किया गया था, उस तारीख को उस अपराध के लिए जितना दंड था उससे अधिक दंड से वह व्यक्ति दंडित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तारीख को कोई व्यक्ति ऑफेंस किया है उस तारीख को जो कानून में उसके लिए दंड का प्रावधान है उससे अधिक दंड से उसे दंडनीय नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर दंड की मात्रा कम की जाती है तो वह व्यक्ति इसका बचाव ले सकता है कि हजूर हमें कम दंड दिया जाए। इसको एक एक उदाहरण सहित आपको बताना है, यानी कि जो बातें मैं बता रहा हूँ इनको आपका इलस्ट्रेशन सहित देखना है। आइए पहला का उदाहरण देखा जाए। आपका जो पहला दो उदाहरण मैं बता रहा हूँ अच्छा, आइए इसको देखा जाए उदाहरणों को। पहला उदाहरण स्टैकिंग का बता रहा हूँ या पीछा करना, स्टैकिंग या पीछा करना। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री का बार बार पीछा करता है तो ऐसी दशा में आईपीसी की धारा 354D के तहत ऐसा पुरुष दंड का भागी होगा। ये जो धारा जोड़ी गई यह जस्टिस जेस वर्मा समिति की सिफारिश पर 2013 ईस्वी में जोड़ी गई और 3 फरवरी 2013 को इसे लागू किया गया। अब चूंकि आपराधिक विधि भूतलक्षी नहीं हो सकती, बैक डेट से लागू नहीं किया जा सकता, तो इस पर एक उदाहरण हमें बताना है। मान लीजिए ये एक पुरुष है, यह 2 फरवरी 2013 ईस्वी को एक लड़की बी का पीछा करता है, और तो ऐसी दशा में 2 फरवरी 2013 को ए ने बी की स्टैकिंग की पीछा किया और 2 फरवरी को ए का कार्य कानूनन अपराध नहीं था। ये अपराध घोषित किया गया 3 फरवरी को। अब समस्या ये यहाँ उत्पन्न होती है कि क्या ए को 2 फरवरी के कार्य के लिए दंडित किया जाएगा कि नहीं। तो अनुच्छेद 21 कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात 2 फरवरी को कार्य किया गया, उसके बाद जो कानून बनाया गया 3 फरवरी को, तो 3 फरवरी को जो कानून बना है उस कानून के तहत ए 2 फरवरी के कार्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। ये भी अच्छे से आपको तैयार रखना है। ये आपका पहला उदाहरण बताया गया। आइए दूसरा उदाहरण ये देखना है कि जिस तारीख को अपराध किया गया, अगर उस तारीख को जो दंड कानूनन था उससे अधिक दंड अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता। आइए दुराचार का मामला देखा जाए। इस पर सबसे अच्छा मामला दुराचार का है, बलात्कार या रेप का है। दुराचार के मामले में 3 फरवरी 2013 ईस्वी के पूर्व अधिकतम सजा लाइफ इम्प्रिजमेंट थी या आजीवन कारावास था। मान लीजिए एक अभियुक्त हैं,
और 1 फरवरी 2013 को दुराचार का अपराध करता है। अब चूँकि 3 फरवरी को कुछ दशाओं में दंड मृत्युदंड कर दिया गया है और 1 फरवरी को जब ये अपराध किया उस समय अधिकतम सजा आजीवन कारावास थी और 1 दिन बाद सजा बढ़ा दी गई। अब समस्या ये है कि ये आजीवन कारावास से अधिकतम दंडित हो सकता है कि इसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, तो मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा क्योंकि जिस तारीख को ए ने ऑफेंस किया है उस तारीख को जितना अधिकतम दंड था उससे अधिक दंड बाद में उसे नहीं दिया जा सकता, भले ही कानूनन अधिक दंड का प्रावधान कर दिया गया हो। ये पहला आपका क्रिमिनल मामलों का सिद्धांत बताया गया अनुच्छेद 20 के क्लाज 1 में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो ला। आइए दूसरा हम सिद्धांत देखते हैं आर्टिकल 20 के क्लाज 2 में क्रिमिनल मामलों का दूसरा सिद्धांत समाहित है। आर्टिकल 20 के क्लाज 2 में जहाँ कि आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी अर्थात दोहरे खतरे, दोहरे दंड, दोहरे जोखिम, दोहरे संकट से संरक्षण, यानी कि दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण दिया गया है। दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब क्या हुआ? ये संरक्षण एक मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 20 के क्लाज 2 में दिया गया है, इसी को रेस जुडिकेटा कहा जाता है। याद रखिए पूछ ले कि संविधान में रेस जुडिकेटा या पूर्व जुडिकेटा या पूर्व न्याय या प्रांग न्याय कहाँ दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा आर्टिकल 20 के क्लाज 2 में दिया गया है। आइए देखा जाए, मान लीजिए ए ने बी की हत्या की, ए ने बी की हत्या की, ए का ट्रायल बी की हत्या के लिए किया गया और उस ट्रायल में ए को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो आर्टिकल 20(2) ये कहता है कि जब ए के खिलाफ एक बार अभियोजन चला, यानी कि एक बार मुकदमा चला और ए को उस मुकदमे में दंडित भी कर दिया गया है, तो उसी अपराध के लिए यानी कि बी की हत्या के लिए ए के खिलाफ दूसरी बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और न ही ए को दूसरी बार दंडित किया जाएगा। यानी कि किसी अभियुक्त को एक ही अपराध के लिए दो बार संकट में नहीं डाला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए एक बार अभियोजित किया गया और दंडित भी किया गया हो तो उसी अपराध के लिए उसे दोबारा न तो अभियोजित किया जाएगा और न ही दंडित किया जाएगा। यानी कि एक ही अपराध के लिए एक बार ही सजा होगी, बार बार सजा नहीं होगी। आपका ये भी याद रखिए, इसको कहा जाता है प्रांग दोष सिद्धि, अर्थात पूर्व में एक बार व्यक्ति दोष सिद्ध हो चुका है। आर्टिकल 20 के क्लाज 3 में भी क्रिमिनल मामलों का
अच्छा सिद्धांत समाहित हैं, काफ़ी अच्छा सिद्धांत समाहित हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आत्म अभिशंसन का सिद्धांत या आत्म अपराध रोपण, आत्म अपराध रोपण के विरुद्ध संरक्षण, आत्म अपराध रोपण के विरुद्ध प्रोटेक्शन अर्थात संरक्षण। इसको समझने का प्रयास करिए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति अपराध का अभियुक्त है उसे विवश नहीं किया जाएगा कि वह अपने ही विरुद्ध एविडेंस दे अर्थात साक्ष्य दे। ये संरक्षण आर्टिकल 20 के क्लाज 3 में अभियुक्त को प्रदान किया गया है। इस पर जो वर्तमान आपका केस देखना है, सेल्वी वर्सेज कर्नाटक राज्य। खूब पूछा जाता है सेल्वी वर्सेज कर्नाटक राज्य का, कर्नाटक राज्य का केस। इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये केस हमेशा याद रखना है। वर्तमान समय में काफ़ी इस पर चर्चा भी हो रही है, सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक। उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में जो अभियुक्तों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता था, जैसे कि पॉलीग्राफ टेस्ट होता था इत्यादि, जो टेस्ट किए जाते थे कि अभियुक्त झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इन वैज्ञानिक परीक्षणों पर रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि बिना अभियुक्त की रजामंदी के, यानी कि बिना अभियुक्त की सहमति के, कंसेंट के, उसका वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किया जा सकता। यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट हो गया, पॉलीग्राफी टेस्ट हो गया, ये सब नहीं किया जाएगा जब तक कि अभियुक्त अपनी सम्मति या रजामंदी इसके लिए न दे दे। ये भी याद रखना है, यानी कि जब तक कि सम्मति न दे दे अभियुक्त, तब तक अब ये सब टेस्ट नहीं होंगे। देखिए, तमाम आपका केस आए जहाँ कि अभियुक्तों ने ये टेस्ट कराने से इनकार कर दिया और न्यायपालिका कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जब तक कि अभियुक्त रजामंद न हो, सहमत न हो, ये सब टेस्ट अब कराए नहीं जा सकते। ये आपका मील का पत्थर साबित हुआ है, आपका अभियुक्तों को संरक्षण देने में ये केस। तो आर्टिकल 20 में आपका 3 सिद्धांत बताए गए, ये आपराधिक मामलों में लागू होते हैं। आइए अगला सिद्धांत अब देखा जाए क्रिमिनल मामलों का, डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी यानी कि इसको कहा जाता है कठोर दायित्व का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कठोर दायित्व का सिद्धांत, या दूसरी भाषा में ये कहा जाता है किन अपराधों के लिए मेंस रिया या दुराशय का होना आवश्यक नहीं है, यानी कि किन अपराधों के लिए दुराशय का होना
आवश्यक नहीं है या आपराधिक मनः स्थिति के अपवाद बताइए। आपराधिक मनः स्थिति के अपवाद पूछ लिया जाता है कि एक्सेप्शन कौन है, या ये भी पूछा जाता है दुराशय का अपवाद। दुराशय के सिद्धांत का अपवाद बताइए, अपवाद बताइए। देखिए आपका चार एंगल से बताया जा रहा है, चारों एंगल। अभी आपका यूपी में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, झारखंड एपीओ और जे में भी पूछा गया था, और बिहार एपीओ में भी, चूँकि आईपीसी हैं यहाँ से चांस रहता है क्वेश्चन बनने का। आइए आपका देखा जाए, इसको डिटेल में देखा जाए, यानी कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का सिद्धांत, इसको डिटेल में हमें क्रिमिनल मामलों में देखना है। देखिए सामान्य नियम क्या है। सामान्य नियम यह है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तभी दंडित किया जा सकता है जब वह गलत कार्य किया हो और उस कार्य को करने का उसका आशय, इंटेंशन, इरादा या मेंस रिया हो। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य सिद्धांत यही है कि किसी व्यक्ति को केवल एक्ट या कार्य के आधार पर दंडित नहीं किया जाता जब तक कि उसका आशय, उसका इंटेंशन उस कार्य को करने का न हो। यानी कि किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए तभी दंडित किया जाता है जब उसका आशय उस कार्य को करने का हो। मैक्सिम अर्थात मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दायी नहीं बनाता जब तक कि उस कार्य को करने का उसका इरादा न हो। एक्टस नॉन फैसिटरियम नाइसी मेंस सिटरिया, यानी कि ये झारखंड एपीओ में पूछा गया था अपराध के लिए क्या आवश्यक है। दिया था आपराधिक कार्य, फिर दिया था दुराशय, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अपराध के लिए आपराधिक कार्य होना चाहिए और उस आपराधिक कार्य को करने का इंटेंशन या आशय भी होना चाहिए। ये झारखंड एपीओ में अभी पिछली बार ही नया क्वेश्चन बना था। अब आइए, यानी कि किसी अभियुक्त को किसी अपराध के लिए तभी सजा दी जानी चाहिए जब वह कोई आपराधिक कार्य किया हो और उसका इरादा उस कार्य को करने का हो, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कई ऐसी दशाएं कानून में दी गई हैं जहां कि अभियुक्त को केवल आपराधिक कार्य के आधार पर दंडित किया जाता है, आशय पर ध्यान नहीं दिया जाता। यानी कि कुछ ऐसी आपका कुछ ऐसी स्थितियां कानून में दी गई हैं जहां अभियुक्त को मात्र और मात्र क्रिमिनल एक्ट के आधार पर दंडित किया जाता है, आशय पर विचार नहीं किया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि आशय के बिना भी व्यक्ति को दंडित किया जाता है मात्र आपराधिक कार्य के लिए, और यह इसी नियम को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या कठोर दायित्व का नियम कहा जाता है। इसी को कठोर दायित्व का नियम कहा जाता है। फिर एक बार देखिए, कठोर दायित्व
नाम से ही कठोर आपको दिख रहा है। कठोर दायित्व के नियम के अनुसार किसी अभियुक्त को या किसी व्यक्ति को मात्र आपराधिक कार्य के लिए दंडित किया जाता है, भले ही उसका आशय या इंटेंशन या दुराशय उस कार्य को करने का न हो। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या है, तो आप बताएंगे कि मात्र कार्य के आधार पर जब व्यक्ति को दंडित किया जाए आशय पर बिना ध्यान दिए हुए, तो उसी सिद्धांत को उन अपराधों को, उन ऑफेंसों को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या कठोर दायित्व का अपराध कहा जाता है। अब प्री में जो पूछा जाता है लगातार, वह लिस्ट याद रखिए। इंग्लैंड में 3 अपराध हैं कठोर दायित्व के, जबकि भारत में 5। एक बार यूपीजे में इंग्लैंड से क्वेश्चन बना है। अब क्वेश्चन का मॉडल देखिए। इंग्लैंड में 3 अपराध ऐसे हैं जिनमें आशय की आवश्यकता ही नहीं है, अर्थात कठोर दायित्व के 3 अपराध हैं, अर्थात मात्र कार्य के आधार पर व्यक्ति को दायी ठहराया जाएगा, इंटेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला है पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब लोक उपताप। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब लोक उपताप। दूसरा है क्रिमिनल लाइबिल, यानी कि आपराधिक अपलेख। आपराधिक इंग्लैंड में भी याद रखिए, फिर बता दिया जाए। एक बार यूपीजे में इंग्लैंड से भी पूछा गया है। आपराधिक अपलेख, क्रिमिनल लाइबिल, आपराधिक अपलेख, दूसरा है अपलेख। और तीसरा आपका है इंग्लैंड में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय अवमान। न्यायालय अवमान अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड में 3 ऐसे ऑफेंस हैं जहाँ कि व्यक्ति का इरादा अपराध करने का न होने के बावजूद भी, अर्थात दुराशय न होने के बावजूद भी व्यक्ति को दंडित किया जाता है। ये याद रखिए। लेकिन जहाँ तक इंडिया की बात है, भारत की बात है, भारत में लिस्ट थोड़ा बढ़ेगी। यानी कि भारत में 5 ऐसे अपराध हैं जहाँ की आशय आवश्यक नहीं है, मात्र कार्य के आधार पर व्यक्ति दंड का भागी होगा। और इन 5 को अच्छे से तैयार रखिएगा। भारत में पहला है किडनैपिंग। किडनैपिंग का मतलब ये हुआ व्यपहरण का अपराध। किडनैपिंग यानी कि व्यपहरण का अपराध। दूसरा बाइगेमी। बाइगेमी ज़्यादा पूछा गया है। द्विविवाह। द्विविवाह या बाइगेमी का अपराध। तीसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अर्थात न्यायालय अवमान। न्यायालय अवमान तीसरा है भारत में। चौथा है प्राइवेट लाइबिल यानी कि व्यक्तिगत अपलेख। व्यक्तिगत अपलेख। व्यक्तिगत अपलेख। और पांचवा है पब्लिक न्यूसेंस यानी कि लोक उपताप। लोक उपताप हैं। पांचवा लोक
उपताप। याद रखिए यानी कि भारत में ये जो पांच ऑफेंस मैंने बताया इसमें इंटेंशन या आशय या आपराधिक मनः स्थिति या दुराशय का होना आवश्यक नहीं है, अर्थात अभियुक्त बिना दुराशय के भी दंड का भागी होगा मात्र कार्य के आधार पर, यानि कि मात्र आपराधिक कार्य के आधार पर। इस प्रकार अगला सिद्धांत भी आपका बता दिया गया, जो लास्ट सिद्धांत आपका है वह देखा जाए और आज कम से कम सिद्धांत समाप्त कर दिया जाए। लास्ट सिद्धांत है वैधानिकता का सिद्धांत, लीगलिटी का सिद्धांत या वैधानिकता, ये भी UPJ में और UPAPO में आ चुका है। वैधानिकता का सिद्धांत क्या है? वैधानिकता के सिद्धांत के अनुसार बिना विधि के अपराध संभव नहीं है, अर्थात कोई कार्य तब तक अपराध नहीं हो सकता जब तक कि किसी कानून द्वारा उसे अपराध घोषित न किया गया हो। यानी कि अपराध के लिए आवश्यक है कि वह कार्य किसी कानून द्वारा अपराध घोषित किया गया हो। आपका वैधानिकता के सिद्धांत में चार बातें समाहित हैं, यही बातें आपका प्री में वर्तमान में पूछी जा रही हैं। वैधानिकता के सिद्धांत में जो चार बातें समाहित हैं इन चारों बातों को आपका अच्छे से डील करना है और एक एक को समझना भी है। आइए एक एक करके देखा जाए। वैधानिकता के सिद्धांत का पहली विशेषता है, यहाँ से भी पूछा जा चुका है, चारों याद रखिए, एक डिफर देगा आपका, चारों याद रखिए। पहला है कि दंड विधिभूत लक्षी नहीं हो सकती, यानी कि जो दंड विधि है वह भूत लक्षी नहीं हो सकती। दंड विधि भूतलक्षी नहीं होगी, इसका मतलब हमने बताया भी था, ये सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लाज 1 में समाहित हैं। और अभी आज ही के लेक्चर में मैंने आपका उदाहरण भी बताया था स्टैकिंग का, यानी कि पीछा करने का। पीछा करना अपराध अब है, अपराध कब से घोषित किया गया? तो 3 फरवरी 2013 से, और अभी हमने उदाहरण भी अच्छा बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपराधिक मामलों की सब्सटेंसिव लॉ है या सारवान विधि है उसको बैक डेट से, पिछली तारीख से या बैक डेट से लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि दंड विधि भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती। दंड विधि में जो सब्सटेंसिव लॉ है वह भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता, तो कैसा केवल प्रभाव दिया जा सकता है उसका? भविष्य लक्षी। दूसरा जो वैधानिकता के सिद्धांत की विशेषता है कि दंड विधि की कठोर व्याख्या की जानी चाहिए, यानी कि दंड विधि की कठोर व्याख्या की जानी चाहिए। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट इंटरप्रटेशन किया जाना चाहिए, स्ट्रिक्ट इंटरप्रटेशन किया जाना चाहिए, अर्थात
कठोर व्याख्या की जानी चाहिए और जहाँ भी संदेह हो संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। कठोर व्याख्या का मतलब ये हुआ कि जो शब्द लिखा गया है उस शब्द से न्यायालय बाहर नहीं जा सकता और शब्दों का जो अर्थ लगाया जाएगा वह सामान्य अर्थ लगाया जाएगा और जो शब्द लिखे गए हैं उन शब्दों से बाहर नहीं जा सकता। अगर कहीं या लिखा है तो न्यायालय और नहीं मान सकता और लिखा है तो न्यायालय या नहीं मान सकेगा। अगर कहीं शब्द सकेगा लिखा है तो सकेगा ही मानना पड़ेगा न्यायालय को, यानी कि न्यायालय को विवेकाधिकार हैं। और अगर कहीं शब्द लिखा है करेगा तो न्यायालय बाध्य हैं उस कार्य को करने के लिए, यानी कि जो भी शब्द लिखे गए हैं उन शब्दों से बाहर न्यायालय नहीं जा सकता और शब्दों की व्याख्या स्ट्रिक्ट करनी पड़ती हैं। आपका उदारवादी नहीं लिबरल नहीं। एक उदाहरण कम से कम देखा जाए इस पर, आइए आईपीसी की धारा 82 और 83 पर देखा जाए। आईपीसी की धारा 82 कहती है कि 7 वर्ष से कम का बच्चा, कम का शिशु, और 83 कहती है कि 7 वर्ष से अधिक का शिशु। अब समस्या ये आई कि कठोर व्याख्या हम देखें तो 82 में 7 वर्ष से कम का शिशु, 83 में 7 वर्ष से ऊपर का शिशु होना चाहिए। अब अगर शिशु अपराध करते समय एकोरेट 7 ईयर का हो तो कहीं कोई प्रावधान नहीं है, तो यह नहीं कि 83 में मान लिया जाएगा। अगर कहीं कोई प्रावधान नहीं है, लीगल फ्लापी कहिए, विधिक गलती कहिए, तो उसका लाभ सदैव अभियुक्त पाएगा और अभियुक्त 82 में माना जाएगा और ऐसा बालक डोली इनकैपेक्स या अक्षम गुड़िया माना जाएगा। अभी आपका डोली इनकैपेक्स का अक्षम गुड़िया का सिद्धांत यूपी APU में भी आया था। तीसरा आपका है कि दंड विधि निश्चित होनी चाहिए, यानी कि तीसरा नियम ये आपका है वैधानिकता का कि दंड विधि निश्चित होनी चाहिए। निश्चित का मतलब ये हुआ कि जो भी अपराध की परिभाषाएं दी जाए वह बिल्कुल निश्चित हो, उनमें संदेह न हो। अर्थात अपराध की परिभाषाओं में इतनी बातें लिखी जाए ताकि अपराध हुआ कि नहीं और परिभाषा में कौन कौन बातें शामिल हैं ये बिल्कुल क्लियर हो, असमंजस वाली बातें न हो। जैसे कि एक उदाहरण कम से कम यहाँ आपको बताया जाए, चोरी का ही उदाहरण ले लीजिए। आईपीसी की धारा 378 में 378 में थेफ्ट या चोरी को परिभाषित कर दिया गया है निश्चितता के साथ और बता दिया गया है कि अगर 5 बातें किसी कार्य में मिलती हैं तभी कहा जाएगा कि वह व्यक्ति चोरी किया है। पहला संपत्ति का चल संपत्ति रहा होना, संपत्ति का किसी के कब्जे में रहा होना, कब्जेधारी की सम्मति के बिना, रजामंदी के बिना उसे
हटाया गया हो और हटाते समय आशय बेईमानी का हो, यानी कि हटाते समय आशय बेईमानी का हो, यानी कि जो चोरी की परिभाषा दी गई है ये निश्चितता से इसको बता दिया गया है। और अंतिम यह है कि दंड विधि को दंड विधि की अधिगम्यता, अधि चौथा है ये, अधिगम्यता यानी कि दंड विधि की अधिगम्यता होनी चाहिए। अधिगम्यता का मतलब ये हुआ सुबोध एवं सुगम्य, सुबोध एवं सुगम्य यानी कि आम जनता भी कानून को पढ़ सके, उसको समझ सके। भाषा इतनी सरल कानून की रखनी चाहिए ताकि एक लेमैन भी कानून की भाषा को पढ़े तो उसका अर्थ वह समझ ले। इसके लिए कानून आसान भाषा में लिखा जाए। मैं इसके लिए करंट बता दूं, उच्चतम न्यायालय में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की गई है कि कानून को आसान भाषा में लिखा जाए ताकि एक लेमैन, एक सामान्य आदमी भी कानूनी बेयर एक्ट में कही गई बातों को समझ सके। धन्यवाद।